गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन क्या हुआ ना, इस ब्लॉग में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो आप सभी को मेरे मिनी ब्लॉग से पता ही होगा कि मैं आई हुई हूँ मेरे ससुराल मम्मी पापा के पास। तो आज हम सब मिलकर जा रहे हैं फैमिली ट्रिप में, तो चलिए मेरे साथ, आज जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम सब अब घर से निकल चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ता है डंपिंग एरिया। तो सिंगरौली एक कोलफील्ड एरिया है जहाँ पर कोयले को निकाला जाता है। तो ये एक यार्ड है कोयले का, यहाँ से कोयला ट्रांसपोर्ट होता है विभिन्न जगहों पर। ये कौन सा पेड़ अच्छा लग रहा है? ये सागुन। सागुन का पेड़, घना जंगल है। और यहाँ के रास्ते भी पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इन हरे भरे वादियों को देखते हुए, इधर उधर की बहुत सारी गपशप करते हुए, आखिर हम पहुँच जाते हैं पेट पूजा करने ढाबे में। वैसे आज का मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है और क्लाउडी डे है, तो ट्रैवल करने में मजा भी आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? कदम। कदम? कदम। फिर हम सब ने मिलकर इस ढाबे की फेमस खीर खाई, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। फिर गपशप करते हुए हम सब ने इस मजेदार खीर का आनंद लिया। खाओ तो, खाओ ना। फिर मेरे जाएगा, खाओ खाओ खाओ। अरे खाओ, फिर थोड़ी मजाक मस्ती के बाद मुझे देखने मिलता है माँ बेटे के प्यार के साथ ही सास बहू का प्यार। फिर हम सफर में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें पहाड़ों के बीच मॉनिटर लिजर्ड दिख जाता है। अब चलिए घुघरा गांव, जो कि बीरबल जी का जन्म स्थल है, चलिए आगे चलते हैं अंबे माता की मंदिर, जो यहां की प्रसिद्ध और मान्यता वाली है, जो कि गोपत नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही यहां का वातावरण बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने पूजा अर्चना की। फिर हम खाते पीते और नज़ारों को देखते हुए सोम नदी को पार करके पहुंच जाते हैं पाठक ढाबा बहरी शुद्ध शाकाहारी में लंच करने, जहां पर हम सब ने खाया शाही पनीर दाल और तंदूरी रोटी। बहुत दिनों बाद हम सब मिलकर इस तरह से लंच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम सब खाना खा के निकल ही रहे होते हैं कि मेरी नज़र पड़ती है एक क्यूट सी पप्पी पर, जो हम सभी के साथ खेल रही होती है। फिर यहाँ से लंच करके हम चल पड़ते हैं हमारी घर की ओर, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पर है। और 30 किलोमीटर आगे आकर हम फिर से हॉल्ट करते हैं चाय पानी पीने के लिए, और यहाँ पे हम सब रिलैक्स होके अपना टी टाइम एंजॉय किए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।